मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आज हिंदी की लेखक जो संरचना चल रही है उसमें एक नई सीरीज़ करते हैं और एक नए लेखक को हम पढ़ते हैं आज, ठीक है। आज के लेखक का संबंध उत्तराखंड से भी है, तो आज के लेखक हैं मंगलेश डबराल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे याद करना है मंगलेश डबराल को। ये है मंगलेश डबराल, ठीक है। सबसे पहले आप जन्म भी पूछे जाने लगा है UKSSC में, तो जन्म हुआ था इनका 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और स्थान था इनका, जन्म का स्थान था वो है काफल पानी टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो अभी कोरोना में हो गई, 9 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो पूछा जा सकता है जन्म भी और स्थान भी। मंगलेश डबराल का संबंध किस जिले से है पूछेंगे तो आपको टिहरी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं इनकी रचना की ओर, कैसे याद करेंगे, क्योंकि आजकल ये अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर से आपके नंबर मजबूत होने चाहिए। 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं आराम से, तो कैसे आपको करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सबसे रचना कैसे करनी है भाई। मंगलेश डबराल की जो मृत्यु हुई वो कोरोना में हुई, तो कोरोना में जब मृत्यु इनकी हुई तो इन्होंने कुछ कहा जाते वक्त, ठीक है। तो क्या कहा देखते हैं। तो इन्होंने कुछ कहा है तो कवि ने कहा, अपनी बात सुना रहे थे वो, तो क्या कहा कवि ने कहा मंगलेश डबराल ने क्या कहा, कवि ने कहा घर के रास्ते से हम जो देखते हैं तो घर के रास्ते से हम जो देखते हैं कि पहाड़ पर लालटेन जल रही है, ठीक है। तो पहाड़, इन्होंने कहा, कवि ने कहा कि घर के रास्ते से हम जो देखते हैं कि पहाड़ पर लालटेन जल रही है, और जब लालटेन जलेगी तो क्या होगा, उजाला होगा, कुछ दिखेगा भाई, ठीक है। तो पहाड़ पर लालटेन जल रही है और मुझे दिखा एक मनुष्य, ठीक है भाई। इनको एक मनुष्य दिखा जो कि शत्रु की तरह दिखा इनको, इन्होंने सोचा कि शत्रु है वो, ठीक है। तो और मुझे दिखा एक मनुष्य जो कि नए युग में शत्रु की तरह था, ठीक है भाई। और शत्रु की तरह इनको दिखा, कवि ने कहा कि घर के रास्ते से हम जो देखते हैं कि पहाड़ पर लालटेन जल रही है, और मुझे दिखा एक मनुष्य जो कि नए युग में शत्रु की तरह था, ठीक है। और वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी, ठीक है, आवाज़ भी एक जगह से आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही थी भाई, देखते हैं। और आवाज़ भी एक जगह से आ रही थी, ठीक है। और आवाज़ क्या कह रही थी वहाँ से, मैं आवाज़ क्या आ रही थी, मतलब वो कह रही कि शत्रु मैं नहीं हूँ, शत्रु इस ज़माने में जो नए युग में जो शत्रु है वो अकेलापन है और रोटी है, दो ही शत्रु इस ज़माने में कभी नहीं गिनाए हैं, ठीक है। तो आवाज़ क्या कह रही है कि नए युग में शत्रु मैं नहीं हूँ, आवाज़ भी एक जगह से आ रही थी। क्या आवाज़ आ रही थी कि नए युग में शत्रु कौन है, लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये आवाज़ आ रही थी वहाँ से, ठीक है। तो मंगलेश डबराल की मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को कोरोना से हुई, और वो कुछ कह रहे थे जाते वक्त, तो कवि ने कहा कि घर के रास्ते से हम, उनको याद आ रही थी अपनी पुरानी, मतलब जो कि जीवन जो था उनका, तो कवि ने कहा कि घर के रास्ते से हम जो देखते थे कि पहाड़ पर लालटेन जल रही है, और मुझे दिखा एक मनुष्य जो कि नए युग में शत्रु की तरह था,
और आवाज भी एक जगह से आ रही थी कि नए युग में शत्रु मैं नहीं, नए युग शत्रु कौन है, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी रचनाओं को कनेक्टिव करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देख इनका एक यात्रा वृत्तांत भी है, इनका एक यात्रा वृत्तांत भी है, वो देखते हैं क्या था। तो यात्रा वृत्तांत मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि जगह नीचे नहीं है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो इनका यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोवा, एक बार आयोवा, तो एक बार आयोवा इनका यात्रा वृत्तांत है ये, एक बार आयोवा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कनेक्ट करके। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, वो देखते हैं पहले। सबसे पहली है कवि ने कहा, ठीक है, घर के रास्ते से, नंबर टू। नंबर थ्री है हम जो देखते हैं, नंबर थ्री है पहाड़ पर लालटेन, नेक्स्ट है मुझे दिखा एक मनुष्य, मुझे दिखा एक मनुष्य। ठीक है, नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु। ठीक है, आवाज़ भी एक जगह है, आवाज़ भी एक जगह है, ये इनकी है। ठीक है, और लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये इनकी रचनाएं हैं सारी। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो इनके जो काव्य संग्रह है वो आपके पास दिख रहा है कि घर के रास्ते से, हम जो देखते हैं, ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन, ठीक, तो आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, मुझे दिखा एक मनुष्य और कवि का अकेलापन। ठीक, ये इनका और एक बार यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोवा। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद कर लेंगे। और भैया इनको एक पुरस्कार मिला है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से वो आ सकता है, तो इनको पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को मिला था सन 2000 में। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2000 में। ठीक है, हम जो देखते हैं के लिए 2000 में मिला था, हम जो देखते हैं के लिए, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? सन 2000 में। ठीक है भाई, तो आ सकता है कि हम जो देखते हैं किसकी है, आप बोलोगे मंगलेश डबराल की है। कब मिला था पुरस्कार? सन 2000 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, और इस तरह से आप कनेक्टिव करके इनको याद कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा नहीं है, मैंने आपने कवि ने कहा, कवि ने कहा, घर घर के रास्ते से, घर का रास्ता इनकी रचना है, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, आवाज़ भी एक जगह है, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, और एक बार आयो हुआ इनकी यात्रा वृत्तांत है, ये भी आ सकता है किसका है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेंगे, और जन्म और स्थान और मृत्यु भी आपका इम्पॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे आप, तो परीक्षा आपकी आसान रहेगी। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में भी एक राइटर कवर किया था, और इस बार भी हम ये कर रहे हैं। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा, तो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें